हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बारिश में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों में शिमला, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में सामान्य के आसपास बारिश हुई है, जबकि बाकी क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण दुनिया भर में कई सेवाएं ठप हो गई थी। इसका असर एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर पड़ा था। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही थी, जिससे फ्लाइट्स या तो लेट हो रही थी या कैंसिल की जा रही थी। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। राज्य के कई नगर निकायों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे मध्य प्रदेश का दबदबा साफ दिखता है। राज्य स्वच्छता की कसौटी पर भी पहले से अग्रणी रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण योजना सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी नताशा से अलग हो गए हैं। बता दें कि दोनों के बीच तलाक की खबरें काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसकी पुष्टि हार्दिक पांड्या और नताशा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी फैंस के बीच शेयर किया था। बता दें कि दोनों ने 31 मई 2020 को शादी की थी और 30 जुलाई को उनके बेटे अगस्त्या का जन्म हुआ था। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि रोहित के टी20 से संन्यास लेने के बाद कप्तान की तलाशी लगातार जारी थी। बता दें कि टी20 टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना जताई जाती है। मौसम विभाग के अनुसार आज भिंड, पन्ना, सतना, डिंडौरी में बिजली के साथ मध्यम आंधी और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। इंदौर में 6.64 लाख रुपए की लूट करने वाले बर्खास्त फौजी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस को सिर्फ 45,000 रुपए की बरामद हुए। वहीं साई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सीबीआई को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के आपराधिक मामले की जांच के लिए अनुमति लेने की जरूरत होगी। यह आदेश 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया है। इसके अनुसार अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है। यहां उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने इछावर विधानसभा से विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को 20 सीट का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को प्रभारी बनाया है।